हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ऑफ थिंग्स। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 की समरी देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन एक्नॉलेज किया है। उन्होंने ईयर 2019-20 का ग्रोथ एस्टिमेट 7% से कम करके 5% कर दिया है। नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी ऑप्टिमिज्म है और ग्रोथ एस्टिमेट की रेंज है 6 to 6.5%। जो रीज़न दिए हैं स्लो डाउन के लिए वो है वर्ल्ड इकोनॉमी में डिक्लाइन आना, डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज़ जैसे कि NBFC क्राइसिस, लो डिमांड लो कंजम्पशन की वजह से और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी आना। ग्रोथ रिवाइवल के साइंस देखे गए हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन PMI मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में और निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स में। GST कलेक्शंस रिसेंटली 1.1 लाख करोड़ था। इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिया के इकोनॉमिक डेटा पर कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है। उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट का मिस एस्टिमेशन हुआ है। किसी भी कंट्री के लिए स्टैटिस्टिक्स की क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टर्स इसके बेसिस पर अपने डिसीजंस लेते हैं। रिसेंट टाइम में काफ़ी लोगों ने इंडिया के GDP नंबर्स पर डाउट्स रेज किए हैं। इनमें से प्रोमिनेंट है अरविंद सुब्रमण्यन का रिसर्च पेपर जिसके अकॉर्डिंग रिसेंट ईयर में इंडिया की ग्रोथ रेट 4.5% है जबकि ऑफिशियल डेटा उसे 7% बताता है। इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिया के स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की भी बात कही है। सेंटर का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एज शेयर ऑफ GDP कम हुआ है 5.4% से 3.3% 2019-20 बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक सर्वे प्रिस्क्राइब करता है कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट को रिलैक्स कर सकते हैं हम ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। फिस्कल आउटलुक के जो रिस्क हैं वो भी बताई गई हैं। इसमें है ग्लोबल ट्रेड की अनसर्टेनिटी जैसे कि US-China ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे कि वेस्ट एशिया में USA वर्सेस ईरान, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में डिले होना और गवर्नमेंट बोरिंग की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्राउडिंग आउट होना। इंडिया ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल सेट किया है बाय 2025। इस विजन को अक्वायर करने के लिए हमें प्रो बिजनेस पॉलिसी को लाना होगा जिससे मार्केट की पावर अनलीश होगी और वेल्थ का जनरेशन होगा। इसके सपोर्ट में थिरुकुरल और अर्थशास्त्र को कोट किया गया है। मार्केट में कंपटीशन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन लाता है और इनोवेशन प्रोड्यूस करता है। दूसरी तरफ हमें प्रो क्रोनी पॉलिसी को डिस्करेज करना पड़ेगा जो वेस्टेड प्राइवेट इंटरेस्ट को बढ़ावा देते हैं और इनएफिशिएंसी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट थिंग जो रिक्वायर्ड है वो है वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल मार्केट। हमें ऐसे 8 बैंक चाहिए जो कि वर्ल्ड के टॉप 100 बैंक्स में हों। फिलहाल सिर्फ SBI 55th रैंक पे है। इससे क्रेडिट को बढ़ावा मिलेगा। इंडिया का बैंकिंग सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा डोमिनेटेड है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनएफिशिएंट हैं, उनमें इन्वेस्ट किया हर 1 रुपये पे 23 पैसे का लॉस हुआ है। वहीं प्राइवेट बैंक्स ने 9.6 पैसे गेन किया है। तो रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एफिशिएंट बनाया जाए। इकोनॉमिक सर्वे ने असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड को प्रिस्क्राइब किया है जिसे मेक इन इंडिया से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमें फोकस करना है नेटवर्क प्रोडक्ट्स पे और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में टैप करना है। इससे हमें चाइना की तरह लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी मिलेगी। हमारा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट मार्केट शेयर 3.5% तक बढ़ सकता है 2025 तक और हम 4 करोड़ जॉब्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक मेजर एक्सपोर्टर बनने के लिए इंडिया को स्पेशलाइज करना पड़ेगा ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे उसे कंपैरेटिव एडवांटेज है। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अर्बन एरियाज़ में हाई फूड इन्फ्लेशन को ऑब्जर्व किया गया है। वहीं दूसरी तरफ रूरल इन्फ्लेशन में डिक्लाइन हुआ है क्लोथिंग फुटवेयर फ्यूल और लाइट में। इसका एक रीज़न हो सकता है डिक्लाइन इन ग्रोथ ऑफ रूरल वेजेस। वहीं एजुकेशन हेल्थ पर्सनल केयर के प्राइसेस रूरल एरिया में बढ़े हैं जिससे इनकी अफोर्डेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है। फ्यूचर में फ्यूल और फूड प्राइस के शॉक से डील करने के लिए मॉनेटरी प्राइस को टाइट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग वो पब्लिक सेक्टर कंपनियां जिनका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है वो बेटर परफॉर्म कर रही हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने एक सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी प्रपोज की है जिसको गवर्नमेंट स्टेक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वो उसे डिसइन्वेस्ट करेगी। इससे प्रोफेशनलिज्म ऑटोनॉमी आएगी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में। एक एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत है जिससे मैनेजमेंट का ट्रांसफ़र होगा और गवर्नमेंट नॉन स्ट्रेटेजिक बिजनेस से एग्जिट कर पाएगी। प्राइवेटाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो है हायर प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट, कॉम्पिटिटिवनेस आना और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन होना। 2018 में इंडिया में 1.24 लाख नए बिजनेस क्रिएट हुए हैं।
जो इंडिया को थर्ड पोजीशन पे रखता है, पर जो पर कैपिटा रेट ऑफ फॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप है वो काफ़ी लो है। सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा नई फर्म्स क्रिएट हुई हैं, लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का जॉब और वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को फर्दर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, स्पेशली टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस और इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पैरामीटर्स पर। इसके अलावा हमें फ्लेक्सिबल लेबर लॉस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटरेसी और एजुकेशन पर फोकस करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक सर्वे ने एनाक्रोनिस्टिक लेजिस्लेशंस और इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ग्रेन प्रोक्योरमेंट एंड फार्म लोन वेवर्स को। इकोनॉमिक सर्वे ने दिखाया है कि स्टॉक लिमिट्स को इम्पोज करने से प्राइस वोलेटिलिटी बढ़ती है, हमें होल्डिंग और स्टोरेज में डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत है। ये सारी पॉलिसीज़ मार्केट को डिस्ट्रॉट करती हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हिंडर करती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस। थैंक यू।